हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक नीति में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की पिक ऑफ द वीक में। आज की फर्स्ट पिक ऑफ द वीक है एनएनसी इंडिया लिमिटेड, जिसमें आप देख सकते हो 12 साल के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है 2010 के बाद से लेकर अब तक हमने इस ट्रेंड लाइन को खींचा हुआ है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो हाई वॉल्यूम जनरेट होने के बाद इसमें ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक हायर हाई करते हुए आगे जा रहा है और 3-4 महीने का कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है एनएनसी इंडिया में। आप इसमें 67 रुपये का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। इसमें अगला जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें आप उसको टारगेट बना सकते हैं, 88 और 112 के टारगेट आ सकते हैं। 6 से लेकर 12 मंथ का ये टारगेट रहेगा हमारा। स्टॉक है हमारा बोरोसिल रिन्यूअल लिमिटेड, जिसमें आप देख सकते हो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसने भी 3-4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। बोरोसिल रिन्यूअल लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा चला, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन लेने के बाद फिर से स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है और आप देख सकते हो कितना सारा वॉल्यूम यहाँ है और अच्छा खासा बुलिश ब्रेकआउट दिया है। आप इसमें 615 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। इसके टारगेट हम निकाल लेते हैं, इसमें टारगेट देखते हैं हम टारगेट क्या निकल के आ रहा है। इसके टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट 896 और 1137 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म के टारगेट इसमें 1527 है। आप इसमें 4 महीने से लेकर 12 महीने का व्यू रख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना तो आप लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल देख लेते हैं बोरोसिल रिन्यूअल लिमिटेड का। फंडामेंटल की बात कर तो 10,000 मार्केट कैपिटल है, 10,000 का मार्केट कैपिटल है और इसका प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसमें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 2010 में -25 था, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो अभी 186 करोड़ का प्रॉफिट है 2021-22 में। अच्छे खासी इसमें प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में, तो आप इसको पिकअप वीक में बाय कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक रहेगा हमारा विनंती ऑर्गेनाइजिंग लिमिटेड, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 9 से 12 महीने का कंसोलिडेशन होने के बाद इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी यहाँ जनरेट हुए हैं। आप इसको बाय कर सकते 1927 के स्टॉप लॉक के साथ। अगर इसकी हम टारगेट निकाल के देखें तो इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है देखते हैं। टारगेट की बात करें तो 2345 का फर्स्ट टारगेट और 2700 का सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। 6 से लेकर 12 महीने का व्यू रख सकते हो। ऑर्गेनिक लिमिटेड का फंडामेंटल देखते हैं, मार्केट कैपिटल देखो तो 22,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है और प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में आप देख सकते हो 2010 में 232 करोड़ का सेल था, जो अभी 1409 करोड़ का 32 सेल होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 2010 में 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के अभी 316 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। अच्छा खासा इसमें नेट कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।